हेलो दोस्तों, एसएससी जीएसटी एग्ज़ाम के पेपर वन के प्रैक्टिस सेशन थ्री में आप सबका स्वागत है। आज का जो प्रश्न पत्र है यह भी एसएससी के पुराने प्रश्न पत्रों से है। आज के प्रश्न पत्र में हम अंग्रेजी पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज का यह प्रश्न पत्र थोड़ा अलग होगा। अलग इसलिए होगा कि मैंने कुछ अलग प्रश्न भी लिए हैं, जो प्रश्न CGL की परीक्षा के हैं। उसके अलावा मैं जिन शब्दों पर चर्चा करूँगा उस शब्द के समानार्थी पर भी चर्चा करता चलूँगा, या फिर उन शब्दों के अर्थों पर चर्चा करता चलूँगा। चलिए, पहला प्रश्न है, सेलेक्ट द नियरेस्ट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आउट ऑफ द गिवन चॉइसेस। अर्थात आपको चॉइस दिए गए हैं, एक शब्द बताया गया, उस शब्द का नियरेस्ट एंटोनिम मतलब उसका विलोम जो है वो आपको बताना है। पहला शब्द है एक्सप्लिसिट। इसके जो चार ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में है वेग, क्लियर, एग्रीएबल और क्रूड। आइए अब हम पहले इन पांच शब्दों को जान लें कि ये शब्द क्या है, उनके अर्थ क्या हैं। एक्सप्लिट जो शब्द है वह एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है स्पष्ट। जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, वेग, वेग का अर्थ होता है अस्पष्ट, क्लियर का मतलब होता है साफ, एग्रीएबल का मतलब होता है सहमत या फिर जो सहमत होने के अनुकूल हो अर्थात अनुकूल, और चौथा ऑप्शन है क्रूड। आप हिंदी का अर्थ समझते ही आप समझ गए होंगे कि इसमें ऑप्शन क्या होना चाहिए। चलिए हम ऑप्शन देख भी लेते हैं। वेग यहाँ सही उत्तर होगा, एक्सप्लिसिट का एंटोनिम। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। प्रश्न संख्या दो कहता है फ्रूगल। फ्रूगल के लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके, जेनरस, रेकलेस, नोबल और एक्स्ट्रावेगेंट। अब देखते हैं फ्रूगल का अर्थ होता है। फ्रूगल एडजेक्टिव है, जिसका हिंदी में यदि कहें तो मित व्ययी अर्थात कम खर्च करने वाला, कंजूस नहीं होगा, यहाँ ध्यान रखते हैं। इसके लिए जो ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, उसका ऑप्शन ए है जेनरस, उसका अर्थ होता है उदार। ऑप्शन बी कहता है रेकलेस, रेकलेस लापरवाह को कहा जाता है। ऑप्शन सी कहता है नोबल, नोबल अर्थात नेक, और ऑप्शन डी एक्स्ट्रावेगेंट। अब हम देखते हैं कि आपको सही उत्तर क्या मिलना चाहिए। अब देखिए, वैसे भी फ्रूगल आप जानते हैं, फ्रूगल मतलब जो कम खर्च करता है, और एक्स्ट्रावेगेंट मतलब उसको मतलब ही नहीं, पैसे जितने सब खर्च कर डालेगा, इसलिए यहाँ सही उत्तर एक्स्ट्रावेगेंट होगा। चलिए अब तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है एरोगेंट। एरोगेंट के चार ऑप्शन हैं आपके पास, प्राउड, र्यूड, सर्विल एंड हम्बल। इन चारों में से क्या ऑप्शन आपको लेना है? आधे लोग इसका ऑप्शन समझ गए होंगे, क्योंकि यह जो शब्द है ये अक्सर हर दूसरे तीसरे वर्ष आता रहा है, CGL कह लीजिए, CHSL कह लीजिए, या फिर SSC अनुवादक की परीक्षा में। तो इसका उत्तर हम देखते हैं क्या होगा। एरोगेंट एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अखड़ या अभिमानी। कई ऐसे लोग होते हैं जो गलत बात कह रहे हैं लेकिन अपनी बात पे अड़े रहेंगे, उनको अखड़ कहा जाता है। इसके ऑप्शंस में जो शब्द हैं, प्राउड का अर्थ होता है गर्व, रूड का मतलब होता है असभ्य, सर्विल का मतलब होता है गुलामी, और हम्बल का मतलब होता है विनम्र। चलिए अब इसके ऑप्शन आपके समझ में आ गए होंगे, फिर भी मैं बता दूं, इसका उत्तर होगा हम्बल, अर्थात एक एरोगेंट है जो किसी की बात नहीं मानता, अभिमानी है, और हम्बल एकदम विनम्र है। ठीक है साहब, चलो आपकी बात स्वीकार कर लेते हैं। इसी क्रम में आज का चौथा प्रश्न है कंपैशन। कंपैशन के चार ऑप्शंस जो आपके हैं, इनह्यूमैनिटी, क्रुएलिटी, स्कॉन और फॉरगिवनेस। अब आइए देखते हैं इन पांचों शब्दों का अर्थ क्या होता है। कंपैशन नाउन है, इसका मतलब होता है दया या सहानुभूति। उसके लिए जो ऑप्शंस दिए गए हैं, इनह्यूमैनिटी का मतलब होता है निर्दयता, बी में है क्रुएलिटी, क्रुएलिटी मतलब क्रूरता, स्कॉन का मतलब होता है घृणा। मुझे आशा है कि यह शब्द आप लोग नया सुन रहे होंगे, अपने डायरी में नोट कर लें, क्योंकि ऐसे शब्द बहुत मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन परीक्षा में जब आता है तो हमें दिक्कत होती है। चलिए चौथा ऑप्शन जो है फॉरगिवनेस। अब आप समझ ही सकते होंगे कि दया यदि है तो उसका विपरीत क्या होगा, या उसका विलोम एंटोनिम क्या। जी हाँ मित्रों, दया का आपको एंटोनिम होगा क्रुएलिटी, अर्थात एक तरफ आप दया दिखाते हैं, दूसरी तरफ क्रूरता दिखाते हैं। अब इसके बाद हम नए पैटर्न की ओर बढ़ते हैं, जो चौथा प्रश्न हमारा है, चौथे के बाद का। देखिए ये इसमें जो लिखा हुआ है, यह कहता है द एनालॉजीज क्वेश्चंस प्रेजेंट टू वर्ड्स और फ्रेजेज दैट आर रिलेटेड इन सम वे। अर्थात यहाँ आपको प्रश्नों का एक पैटर्न दिया हुआ है, दो प्रश्न दिए हुए एक दूसरे से मिलते जुलते, और उसी के समान अन्य चार ऑप्शन दिए गए हैं ए से लेकर के डी में। पहला जो प्रश्न आपको उदाहरण दिया गया उससे मिलता जुलता आपके जो इसमें ऑप्शन है उसमें से एक उसी के समरूप
अर्थ शब्दों की जोड़ी को आपको चुनना है। आप यह कह सकते हैं कि रीजनिंग का भी प्रश्न हो सकता है, लेकिन यह अंग्रेजी का भी प्रश्न है। चलिए आइए अब हम प्रश्न और देखते हैं। पहला जो प्रश्न है वो रॉक है, उसके बदले में इन्होंने दिया उससे मतलब रिलेटेड जो वर्ड है वो स्ट्रांग है। उसके बाद जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस में आपको दिया गया है पेरिशेबल, उसके साथ में वर्ड दिया है कंफर्टेबल, उसके बाद अगला दिया है ब्रेज, उसके साथ दिया है फ्लैटर, और सी ऑप्शन वेलवेट दिया है, वेलवेट के साथ स्मूथ का ऑप्शन दिया है, और क्लेवर के साथ डिसेप्टिव का इन्होंने जोड़ी लगाया है। आइए पहले हम इसका अर्थ जान लें। रॉक अर्थात चट्टान, चट्टान क्या होता है, स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, उसको पटक के तोड़ना पड़ता है तब भी बहुत मुश्किल होती है। तो जो ये आपके प्रश्न दिए गए हैं या ऑप्शन दिए हैं, पेरिशेबल, पेरिशेबल का अर्थ होता है नाशवान, उसके बाद जो दूसरा उसके साथ जोड़ी लगाया गया कंफर्टेबल, आरामदायक, उसके बाद आपको ऑप्शन बी दिया गया प्रेज, प्रशंसा करना, नाउन है, उसके साथ फ्लैटर, फ्लैटर वर्ब है, इसका मतलब होता है चापलूसी, फ्लैटर से फ्लैटरी शब्द बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेलवेट, वेलवेट एक तरह का वस्त्र है, या फिर वेलवेट को आप चिकनापन भी कह सकते हैं, उसके लिए इन्होंने जोड़ी लगाया स्मूथ, चिकना, और उसके बाद इन्होंने डी ऑप्शन में क्लेवर दिया, क्लेवर एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हिंदी में चतुर, और डिसेप्टिव अर्थात कपटी। अब चूंकि देखिए यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाया है रॉक का, उसके अनुसार यहाँ जो लेफ्ट में दिया गया है किसी भी ऑप्शन में, उसके राइट से हम अगर मिलाते हैं तो हमें लगता है पेरिशेबल, नाशवान और कंफर्टेबल कोई जोड़ी नहीं बनती, प्रेज प्रशंसा करना और चापलूसी करना ये भी नहीं बनती, क्योंकि आप किसी की प्रशंसा कर रहे हैं तो उसकी बुराई करते हैं अगर, तो वह जोड़ी बन सकती थी। फिर क्लेवर, चतुर और कपटी, ये थोड़ा सा हमें संदेह हो सकता है। चलिए फिर भी हम आगे और ध्यान देते हैं क्या होगा। देखिए इसमें रॉक की प्रॉपर्टी की बात बताइए, रॉक कैसा होता है, स्ट्रांग होता है, तो यहाँ मेरे विचार से वेलवेट को अगर आप नाउन मान लेते हैं, अर्थात वेलवेट अगर कपड़ा मान लेते हैं, तो वेलवेट कपड़ा कैसा होता है, उसकी सतह कैसी होती है, चिकनी होती है, जी हाँ, और इसके अनुसार हमारा तीसरा ऑप्शन सी का ऑप्शन है, वेलवेट के साथ हमने स्मूथ को रखा है और वही सही उत्तर है। चलिए अगले में चलते हैं। अगला जो ऑप्शन आपको दिया गया वह है माउस और क्वाइट, माउस का मतलब होता है चूहा और क्वाइट का मतलब होता है शांत। अब आइए हम इस ऑप्शंस में देखें, ए में दिया है मोनोलॉग, उसके साथ जोड़ी बनाई डायलॉग की, बी दिया है एलिमिनेट, एलिमिनेट के साथ जोड़ी बनाई गई एक्सेप्ट की, और उसके बाद सी में जेनरस दिया गया है, उसके साथ जोड़ी दी गई कॉम्पेशनेट की, और उसके बाद स्टब बॉर्न है, उसके साथ स्टेंस दिया गया है। चलिए फटाफट हम इसकी हिंदी पहले जान लें। देखिए माउस नाउन है और क्वाइट एडजेक्टिव है, चुप है, एक तरह से गुण बता रहा है, चूहा चुप है। चलिए मोनोलॉग का मतलब होता है, ये नाउन है, एकालाप अर्थात एक व्यक्ति अकेले ही जो सारा अभिनय कर ले जाए या फिर सारी बातें कह ले जाए। उसके साथ जो जोड़ी बनाई गई है वह है डायलॉग, डायलॉग मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, दो लोगों के बीच का संवाद, ये बात नहीं बनती है, एकाएक ये एक दूसरे का विपरीत हो जाता है। इसके बाद आता है एलिमिनेट, एलिमिनेट होता है वर्ब हटाना, और एक्सेप्ट स्वीकार करना, ये भी एक दूसरे का विपरीत है, एलिमिनेट कर दीजिए दोनों को। इसके बाद आता है जनरस, एडजेक्टिव है, जनरस का मतलब होता है उदार, और उसके बाद कॉम्पैशनेट है, कॉम्पैशनेट का मतलब होता है दयालु। अब तीसरे ऑप्शन को देखें, स्टबर्न एडजेक्टिव है, उसका मतलब होता है जिद्दी, और स्टेंस नाउन है। अब यहाँ क्या बनेगा, देखिए ऊपर वाले ऑप्शन में नाउन और एडजेक्टिव को मिलाया गया, उस लिहाज से यहाँ ए बी सी को एलिमिनेट करते हैं, तो स्टबर्न और स्टेन दाग कैसे होते हैं, जिद्दी होते हैं, आपने वॉशिंग पाउडर कुछ आता है बाजार में उसके विज्ञापन में देखा होगा। तो यहाँ सही ऑप्शन है स्टबर्न अर्थात जिद्दी, उसके साथ क्या जिद्दी है, तो दाग जिद्दी है, दोनों एडजेक्टिव और नाउन का हो गया। इस लिहाज से मित्रों यहाँ यह चयन करना होगा। इसी तरह से अगले क्रम में मैं कुछ और नई चीज़ें लेकर के आऊँगा जो इस बार 2020 की जो परीक्षा होगी उसके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। मित्रों यदि एपिसोड अच्छा लगा हो तो संदेश बॉक्स में आप अपना संदेश जरूर दीजिएगा ताकि इसको और बेहतर बनाया जा सके, और यदि आपके मित्र ऐसे हैं जो इससे लाभ उठाना चाहें तो उन्हें भी शेयर करिए, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें, और घंटी जरूर बजा दीजिए क्योंकि अब हर रोज़ आपको नई नई जानकारी मिलती रहेगी। चलिए फिर मिलते हैं अगले सत्र में।